क्या आपने कभी बोरिंग प्रेजेंटेशन अटेंड की है जहाँ पे स्पीकर कुछ बोले जा रहे हैं और ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यॉन कर रहा है, कोई कुछ फोन देख रहा है, कोई स्क्रिबल कर रहा है? क्या आपने कभी बोरिंग प्रेजेंटेशन दिया है? अगर आंसर हाँ है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन तरीके, ऐसे थ्री मेथड्स जिसको यूज करके आप अपना अगला प्रेजेंटेशन बहुत ही इंगेजिंग बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर आपने कभी भी स्पीकिंग किया है, लोगों से इंटरेक्ट किया है या स्टेज पे गए हैं तो आपको पता है कि ऑडियंस को इंगेज करना केक वॉक नहीं है, इट्स नॉट ईजी। एंड स्पेशली ये जब आपका ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस हो तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड उस टाइम पे अगर आपकी ऑडियंस को आपको वार्म करना है, आपकी ऑडियंस को आपको इंगेज रखना है, बांध के रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता हों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन तरीके जिसको यूज़ करके आप अपने अगले प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली टेक्निक है जिसको मैं कहूँगा, सरप्राइज योर ऑडियंस। What do I mean by that? Now, फर्ज करिए आपको एक प्रेजेंटेशन देना है और बाकी सारे स्पीकर्स टिपिकली आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वॉज ग्रेट एंड ब्ला, या कोई वेदर बता रहा है, बट आप आते हो स्टेज पे एंड यू सरप्राइज विदाउट सेइंग एनीथिंग एल्स, यू गट इन टू अ स्टोरी, वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू ऑडियंस? थिंकिंग ये कौन है, ये क्या कर रहा है, बिकॉज बाई दैट टाइम दे आर प्रोग्राम्ड। सो सरप्राइज योर ऑडियंस, मे बी शो अ कोड, मे बी टेल अ वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स, और बेस्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद अ स्टोरी। वेन यू स्टार्ट विद अ सरप्राइज योर ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो मोर कि ये करने क्या वाला है, वॉट इज ही और शी अप टू, एंड दैट्स वेयर यू कैन रियली शूट योर एंगेजमेंट टू द टॉप। So first technique is ki start with a surprise, give them some surprising fact, figure, or most importantly give them a very engaging story to start off with. Technique number 2, agar main aapse isi monotone mein agle 30 second aur baat karunga to aap puri tarah se bore ho jayenge. Absolutely, agar main isi tarah se aapse baat karta raha to aap video chhod ke chale jaoge. Please jana nahi, main aise nahi baat karne wala hu. Basically aapko अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना वोकल वेरिएशन, अपना जो भी आपके अंदर है, जैसे वोकल वेरिएशन इज अ ग्रेट एग्जांपल, और टेकिंग अ पॉज और हैविंग सम जेस्टर्स, फंक्शनल जेस्टर्स, फॉर एग्जांपल यू से आई वाज ड्राइविंग द कार वर्सेस आई वाज ड्राइविंग द कार, यहाँ पे आपने फंक्शनल जेस्टर का यूज़ किया एंड स्टीयरिंग व्हील दिखाई। बेसिकली यू आर अ पेंटिंग अ पिक्चर ऑन योर ऑडियंस माइंड। तो जब आप ऐसा करते हैं, कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज को, कुछ अपने जेस्चर्स को, कुछ अपने वोकल टूल्स को यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जब आपकी ऑडियंस होती है उसका एंगेजमेंट ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है। तो डोंट बी द मोनोटोन स्पीकर हु स्पीक्स लाइक दिस, यूज़ योर वॉइस, यूज़ योर बॉडी, यूज़ योर जेस्चर्स टू कीप इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंगेजिंग। और तीसरी और फाइनल टेक्निक, आपको क्या लगता है तीसरी टेक्निक क्या होगी? एक्चुअली आंसर इसी क्वेश्चन में, जो तीसरी टेक्निक है उसको कहते हैं आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं अपने ऑडियंस से, देन आपके ऑडियंस को एक तो सोचने का टाइम मिलता है एंड देन दे वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड दैट्स वेयर द एंगेजमेंट गोज अप। सो एंड मैं बहुत बार करता हूँ कि कोई लाइव प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ या कोई सेशन ले रहा हूँ, एंड जब मुझे लगा कि मैं लगातार 5-10 मिनट कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, तो आई टेक अ ब्रेक, आई जस्ट पॉज एंड देन आस्क देम अ क्वेश्चन, ओके टेल मी व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट टेक अवे सो फार, टेल मी व्हाट इज योर चैलेंज, टेल मी कि और क्या आपको जानना है। व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन यू आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, उनको बोलने का मौका मिल रहा है, उनको अपनी बातें शेयर करने का मौका मिल रहा है, एंड दैट मेक्स इट सुपर इंगेजिंग, राइट? आपको अगर थिंक अबाउट इट द मोस्ट इंगेजिंग प्रेजेंटेशन यू हैव एवर बीन, देयर इज अ गुड चांस कि वहाँ पे एक नहीं मल्टीपल स्पीकर्स रहे होंगे, जो स्पीकर रहे होंगे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, बहुत सारे लोगों ने हैंड उठा करके, किसी ने मुँह से, किसी ने लिख करके रिस्पॉन्ड किया होगा, एंड दैट्स हाउ यू मेक दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये है तीन टेक्निक, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू। तो पहली टेक्निक इज सरप्राइज योर ऑडियंस विद अ ग्रेट स्टार्ट, विद अ डिफरेंट स्टार्ट,
नंबर टू, यूज योर बॉडी लैंग्वेज, यूज योर जेस्टर्स, यूज योर वॉइस, गिव इट व्हाट ऑल यू हैव. एंड नंबर थ्री इज एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड लेटिंग देम रिस्पॉन्ड. अगर आपने ये तीनों टेक्निक यूज करना स्टार्ट किए तो आई कैन वेरी वेल से दैट फ्रॉम योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इटसेल्फ आपका ऑडियंस इंगेजमेंट बहुत बढ़ जाएगा. इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जो आप यूज करते हैं ऑडियंस का इंगेजमेंट लाने के लिए? आई वुड लव टू नो देम इन द कमेंट्स. एंड दीज टेक्निक्स वेर ऑल बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग ऑन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, as I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'm going to see you in the next video.